ओम शांति। आपका प्रश्न है, दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए, वो क्या है और क्यों? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि देने वाला मैं कौन और जिसे दिया जा रहा है वो लेने वाला कौन। देना और लेना किसने है, ये बहुत जरूरी समझ में आना चाहिए। इस शरीर से कर्म कराने वाली है आत्मा। ये शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक इसमें आत्मा ना हो। तो कर्म करने वाली आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, इस शरीर से कर्म करने वाली आत्मा है, तो लेने वाली भी आत्मा और देने वाली भी आत्मा। कर्म अच्छे करे तो उसका फल भी आत्मा को मिलना है, कर्म खराब करे उसका फल भी आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं मिलता। हाँ, बिना शरीर के ये आत्मा किसी कर्म का फल, चाहे सुख या दुख, ले नहीं सकते। अब इस आत्मा ने किसी भी समय अपने मैक्सिमम 84 शरीरों या कम से कम एक शरीर में, क्योंकि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 शरीरों के लिए, कम से कम एक शरीर के लिए इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती है। उसने किसी भी शरीर के माध्यम से, उस आत्मा ने कितना भी जन्म पहले, कितने भी शरीर पहले जो भी कर्म किया, उसका फल उसको लेना ही लेना है। क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर उस आत्मा को लेनी है। तो जो कर्म आत्मा ने किया, उस कर्म का फल आत्मा को लेना है। अब देने वाली आत्मा और लेने वाली आत्मा, ये बात हमें समझ में आ गई। अन्य आत्माओं को हम क्या ना दे, आत्मा के पास देने के लिए दो चीजें होती हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं, जिसको हम कहते हैं सुख और दूसरा कहते हैं दुख। नियम को ध्यान में रखते हुए जो हम देंगे वो हमको मिलेगा, जितना हम देंगे उतना हमको मिलेगा, जिसको देंगे उससे मिलेगा, किसी और से नहीं। सीधी सी बात आती है, हमें वो नहीं देना है जो मैं अपने लिए नहीं चाहता। मैंने किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख दिया तो वो दुख लेना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यवहार मैंने किसी के प्रति नहीं करना है जो व्यवहार मेरे प्रति हो मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि जो दिया वो लेना पड़ेगा, जितना दिया उतना लेना पड़ेगा, जिसको दिया उससे लेना पड़ेगा, सुख दिया तो सुख, दुख दिया तो दुख। इसलिए अपने ऊपर पूरा पूरा अटैच
अटेंशन देना है वो कभी दूसरों को नहीं देना है जो हम अपने प्रति नहीं चाहते, जो हम अपने प्रति नहीं चाहते वो हम किसी भी आत्मा को ना दे। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप उसका आंसर लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग मोर देन 2000 वीडियोस जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपके पास भेजे जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके उसमें अपने प्रश्न को उत्तर को ढूंढ सकते हैं। और यदि आपका प्रश्न का उत्तर नीचे ना मिले तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9213106986 पर, या अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।